अब मैं समझता हूँ ये इंतहा हो गई है अरविंद केजरीवाल के अत्याचारों की। लोकल बॉडी जितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है कि आपकी गलियां साफ करना, अस्पतालों की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, नर्स की व्यवस्था, ये सब कुछ को आप रोक करके बैठे हो, इसको लेकर के कहाँ जाओगे? ये इंसानियत है? केवल आप मंच पे कहने के लिए ही इंसान का इंसान से वो भाईचारा होगा? हमारे निगम के तीनों मेयर और चुने हुए लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब सांसद आके यहाँ समय समय पे इनको सपोर्ट कर इनकी बात सुन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब ये लड़ाई आर पार की होगी? अभी भी मैं बोलूंगा, अरविंद केजरीवाल जी अपने इंसान को, जमीर को जगाइए, यहाँ आइए, लोगों से बात करिए और इनकी समस्याओं को दूर करके 13,000 करोड़ तुरंत रिलीज करिए। वो रिलीज नहीं कर रहे और नगर निगम कोई अपने लिए पैसा नहीं मांग रहा, अब तक मिले नहीं। वो दिल्ली से डेंगू चिकनगुनिया को भगाने के लिए काम, इसलिए कि वो दिल्ली को जिलाने के लिए नहीं काम कर रहे, दिल्ली को जलाने के लिए काम कर रहे। कोरोना के समय में अगर कोई कर्मी काम करता तो निगम के कर्मी काम करते, और ऐसे में निगम अब उनकी झूठ बोलने की कला भी कुंद हो रही है, फंस जा रहे हैं। झूठ भी जब एक सीमा के ऊपर हो जाता है ना, तो ऐसे ही होता है। जारी रहेगी जब तक कि वो भाव सरेस्ट नहीं थे, वो रेस्ट पे थे।